इमेजिन कोविड-19 से भी कोई खतरनाक जानलेवा पैंडेमिक चल रहा है। सभी लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में कैद है और ऐसे में गवर्नमेंट अनाउंस करती है साइंटिस्ट ने क्रायोजेनिक स्लीप की टेक्नोलॉजी को फाइनली इन्वेंट कर ही लिया। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इंटरस्टेलर मूवी में विदाउट एज हुए सोते सोते कूपर और उनकी टीम स्पेस में ट्रेवल करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट इसके साथ ये भी अनाउंस करती है कि वो सिर्फ 900 लोगों को इस क्रायोजेनिक स्लीप का इस्तेमाल करने देंगे। लोग ये सुनकर डर जाते हैं, उन्हें सीट मिलेगी कि नहीं, वो ऑनगोइंग पैंडेमिक से बच पाएंगे या नहीं। जो लोग ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे उनके लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि उन्हें इस कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक पैंडेमिक का सामना तो करना पड़ेगा, बट जो लोग क्रायोजेनिक स्लीप में चले गए वो प्रोबेबली 100, 200 या फिर हजारों सालों बाद के समय में उठेंगे। सोचो एक ऐसी दुनिया जो अनइमेजिनेबल प्रोग्रेस से ट्रांसफॉर्म हो गई है, जबकि क्रायोस्लीपर्स वैसे के वैसे ही है जैसे क्रायोजेनिक स्लीप में जाने से पहले थे। अब सवाल ये बनता है कि ये क्रायोजेनिक स्लीप काम कैसे करती है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट इफ क्रायोजेनिक स्लीप बिकम्स अ रियलिटी। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखना। फिक्शनल मूवीज में क्रायोजेनिक स्लीप या क्रायोस्लीप में कैरेक्टर्स हाईटेक पॉड्स में एंटर करते हैं जो एडवांस कूलिंग सिस्टम से इक्विप्ड होते हैं। ये पॉड्स बॉडी टेम्परेचर को बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक लो कर देते हैं, जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और बॉडीली फंक्शंस नियरली रुक जाते हैं। इस फ्रोजन स्टेट से एजिंग प्रिवेंट होती है और बॉडी फ्यूचर एडवांसमेंट्स तक प्रिजर्व रहती है। एक्चुअली 12 जनवरी 1967 को कैलिफोर्निया यूएसए में जेम्स बेडफोर्ट नाम के एक व्यक्ति की किडनी कैंसर की वजह से मौत हो गई। मिस्टर बेडफोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइकोलॉजी प्रोफेसर थे। इनके मौत के बाद क्रायोनिक्स फील्ड के जाने माने व्यक्ति डॉक्टर रॉबर्ट नेल्सन ने इनके बॉडी को क्रायोनिक स्टेट में फ्रीज कर दिया। मिस्टर बेडफोर्ट ऐसे पहले इंसान बने जिन्हें क्रायोनिकली प्रिजर्व किया गया। इन्हें प्रिजर्व करने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मोटिव है। जब फ्यूचर में हमारे पास किडनी कैंसर जैसे बीमारियों का सोल्यूशन होगा, तब हम मिस्टर बेडफोर्ड को रिवाइव कर लेंगे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे 300 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें क्रायोनिकली प्रिजर्व किया गया है। एल्कर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में 170 पेशेंट्स और द क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट में 200 पेशेंट्स। एक फेमस बेसबॉल प्लेयर टेड विलियम्स भी एल्कर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में क्रायोनिकली प्रिजर्व्ड है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सारे ही क्रायोनिकली प्रिजर्व्ड लोग उनके मौत के बाद प्रिजर्व किए गए थे, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिंदा रहते क्रायोनिकली प्रिजर्व होने की। क्या तुम्हें पता है कि हमारे करंट टेक्नोलॉजी के कैपेबिलिटी से हमें पृथ्वी से मार्स तक जाने के लिए पूरे 7 महीने लगते हैं, जुपिटर तक जाने के लिए 6 साल और प्लूटो तक पूरे 9.5 साल। अगर तुम कभी फ्लाइट में बैठे बैठे बोर हुए हो तो इमेजिन ट्रैवलिंग इन स्पेस फॉर एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम। और अब जब हाइपोथेटिकली क्रायोस्लीप पॉसिबल है तो आप ये पूरी जर्नी सोते सोते निकाल सकते हो। आई मीन सोना किसे पसंद नहीं है, राइट? अभी फिर से सोने, ठीक है जैसा आप कहे। अरे लाने जा, लाने जा। इसका एक और प्लस पॉइंट ये भी होगा कि हमें स्पेस का वियर्ड सा खाना भी नहीं खाना पड़ेगा, और जब हम खाना नहीं खाएंगे तो स्पेसक्राफ्ट पर पेलोड भी काफी कम होगा, जिससे हम बाकी की नेसेसरी मशीनरी स्पेसक्राफ्ट पर इजीली कैरी कर सकेंगे। हम ज्यादा देर तक क्रायोजेनिक स्टेट में रहेंगे तो उसकी वजह से हम स्पेस में हंड्रेड्स या फिर प्रोबेबली थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक ट्रैवल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम इस एक्सोप्लैनेट ग्लीस 581D तक ट्रैवल कर सकेंगे। ये प्लैनेट अर्थ की तरह एक ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, और इस ड्वार्फ स्टार को ग्लीस 581 का नाम दिया गया है। ग्लीस 581D अपने रेड ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट करता है एक ऐसे डिस्टेंस पर जहां वो उसके स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसका मतलब है कि ये स्टार से इनफ रेडिएशन रिसीव करता है जो कि उसके सरफेस पर लिक्विड वाटर को मेंटेन करने के लिए पॉसिबिलिटी दिखाता है। ऐसे ही कुछ और रीजंस की वजह से इस प्लैनेट को पॉसिबली हैबिटेबल कंसीडर किया जाता है। डिस्पाइट ऑफ 581D के पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी, ये अर्थ से लगभग 20.3 लाइट ईयर्स दूर है। करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने के लिए हमें हजारों साल लगेंगे। और गेस व्हाट, क्रायोजेनिक स्लीप की पॉसिबिलिटी की वजह से हम ये स्पेस ट्रैवल
सोते सोते पार कर लेंगे। हाईली पॉसिबल सिनेरियो तो ये भी है कि हमें किसी वियर्ड से एक्सोप्लैनेट पर एलियंस भी दिख जाए। ह्यूमंस काफी दूर तक ट्रैवल कर पाने के कारण हम एक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लेंगे जिसमें बहुत सारे हॉल्ट स्टेशंस हो, जिसमें हम हमारे क्रायोजेनिक चेंबर्स को चेक या फिर रीसर्विस करवा सके। मेरा तो सबसे बड़ा डर डीप ब्लैक स्पेस में ट्रैवल करने का है। जस्ट इमेजिन ट्रैवलिंग आउट देयर जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और पॉसिबिलिटीज एक्सट्रीम है। अगेन यहाँ हमें क्रायोजेनिक स्लीप की टेक्नोलॉजी संभाल लेगी और जब आप फ्यूचर में क्रायोजेनिक चेंबर से बाहर निकलोगे तब हो सकता है कि आप हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद उठ रहे होगे। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कंप्यूटर दिखे जो खुद ही आपको फ्यूचर दिखाता हो, या फिर कोई ऐसी चिप इंसानों के दिमाग में फिट कर दी गई हो जो इंसानी दिमाग को एक कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोवाइड करे। अगर आज न्यूरालिंक जैसी कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है तो फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर से याद आया कि अगर आपको हमारे इस व्हाट इफ सीरीज के वीडियोस आपके फीड में देखने हो तो सब्सक्राइब करो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या आपको पता है कि नासा एक ऐसे टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है जिससे एस्ट्रोनॉट स्पेस में कई दिनों तक एक हाइबरनेशन की स्टेट में रह सकते हैं और इस हाइबरनेशन की स्टेट को टॉर्पर कहा जाता है। दरअसल टॉर्पर स्टेट में एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी के टेम्परेचर के साथ कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, जैसे कि उनके बॉडी टेम्परेचर्स को ग्रेजुअली 32 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज कर दिया जाएगा। हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट सिर्फ 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप करने से हमारी बॉडी टॉर्पर स्टेट में कैसे जाएगी, राइट? मैं आपको बता दूं कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस गिरता है तब हम हाइपोथर्मिया के स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उसका सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है, जिसकी वजह से ना हम सोच पाते हैं और ना ही हम हिलडुल पाते हैं। और ऐसे स्टेट में जाने की वजह से हमारे हार्ट बीट्स बहुत ही कमजोर पड़ सकते हैं और हमारी मौत भी हो सकती है। और इसीलिए नासा और कई अलग अलग कंपनीज इस टॉर्पर वाले कॉन्सेप्ट को आज भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखकर डर गए, राइट? व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि टॉर्पर तो क्रायोजेनिक स्लीप का सिर्फ एक जूनियर वर्जन है, जहाँ एक तरफ टॉर्पर स्टेट में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक गिराया जाता है, वहाँ दूसरी तरफ क्रायोजेनिक स्लीप में तो इसे सीधा -196 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप कर देते हैं। क्रायोस्लीप के लिए हमें बॉडी फंक्शंस और टेम्परेचर के रिलेशन को बहुत ही गहराई में स्टडी करना होगा, बट अभी के लिए हियर्स अ शॉर्ट रिकैप ऑफ पॉजिटिव साइड्स इफ क्रायोजेनिक स्लीप एक रियलिटी बने तो क्या होगा। हम स्पेस में ट्रैवल करते समय कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे जिससे स्पेस ट्रैवल और भी इजी होगा। इनफैक्ट स्पेस ट्रैवल करते वक्त क्रायो चेंबर की मदद से हम स्पेस के हार्मफुल रेस से भी बच पाएंगे, और अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है तो क्रायो स्लीप की मदद से फ्यूचर में उस बीमारी का सोल्यूशन आने तक क्रायो प्रिजर्व हो सकेंगे और स्पेस में किसी एक्सोप्लैनेट पर अपनी बस्ती बसाकर ह्यूमंस को एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बना पाएंगे। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, बट एटलीस्ट क्रायो स्लीप की मदद से हम हमारे शरीर के एजिंग को रोक सकेंगे और स्पेस में बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकेंगे। ये तो थे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। आपको क्या लगता है कि अगर क्रायोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी एक रियलिटी बन जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं? और ये व्हाट इफ वाली सीरीज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितना एक्साइट करती है? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स।